नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JVS किचन में। दोस्तों आज हम आपको मूंग की दाल की भजिया बनाना सिखाएंगे। मूंग की दाल की भजिया बनाने के लिए मैंने एक कटा हुआ प्याज लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, खड़ा हुआ लहसुन भी लिया है, हरी मिर्च भी ली है, कसूरी मेथी भी ली है, थोड़ी मैंने मेथी और जीरा लिया है जिसको मैंने भून करके पीस लिया है, कटा हुआ हरा धनिया मैंने लिया है, 500 ग्राम मैंने बिना छिलके की मूंग की दाल को लिया था जिसको मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और इसको 4 घंटे बाद मैंने पानी से निकाल लिया है। हम दाल को जार में डालकर मिक्सी से ग्राइंड कर लेंगे। दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है, दाल को हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, नहीं तो हमारी भजिया सॉफ्ट नहीं बनेगी। हम दाल में मिर्ची डालेंगे कटी हुई, साबुत लहसुन डालेंगे, प्याज भी डालेंगे इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जीरा मेथी भुनी हुई डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, कटा हुआ धनिया डालेंगे हरा, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले मैंने दाल में अच्छे से मिला लिए हैं। हम गैस को चालू करते हैं, इसको हम रख देंगे अलग। हम गैस को चालू करते हैं, इस पर कढ़ाई रख देंगे। हम इसमें ऑयल डालते हैं, हम इसको गरम होने देंगे। देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हम मूंग की दाल की भजिया तलेंगे। हम भजिया को पतले पतले तोड़ते जाएंगे जिससे कि हमारी भजिया करारी बनेगी। बीच बीच में भजिया को चलाते जाएंगे जिससे कि हमारी भजिया अच्छे से पक जाए। भजिया को पलट कर दोनों तरफ से सेंकते जाएंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी भजिया पक के तैयार हो चुकी है। इनका कलर भी ब्राउन हो चुका है। आप प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए भजिया हमारी बनके तैयार हो चुकी है। कितनी करारी भजिया बनी है। मैंने हरी चटनी ली है, आप चाहे तो दही के साथ खा सकते हैं। आप भी अपने घर पे बनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें।
आप सभी से मेरी अपील है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।